नहीं निश्चित, देश पूरा का पूरा अभी तैयार हुआ है, अभी दो दिन और बाकी है, लेकिन मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, तो मंदिरों में, मंदिरों के बाहर एक नया उत्साह, एक नया जोश लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। और 22 तारीख को जब प्राथमिक परीक्षा होगी तब तो दृश्य तो देखने लायक होगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा होने तक उसके बाद में भी सभी छुट्टी डिक्लेयर करके सभी लोगों को इसमें जुड़ने का जो आह्वान किया है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोगों ने पूरा समय जो प्रधानमंत्री ने दिया है, जो सोच में, उन्होंने तो 11 दिन का तप किया, मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप 11 घंटे करिए करके, लेकिन 2-4 घंटे जो भी है हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और इस वक्त हम कांजोली शंकर गली के कड़िया समाज के लोगों ने जो मंदिर बनाया है, देखिए छोटा समाज मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट प्लॉट को परचेस करते हैं, वहाँ पर इतना अच्छा आलीशान मंदिर बनाते हैं, पीछे एक 3,000 लोग इकट्ठा हो सके इतना बड़ा हॉल बनाते हैं, और उसके अलावा जो ओपन स्पेसेस है वो पूरा का पूरा समाज के लिए उपयोग करने के लिए मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। पूरे कांदिवली की अगर हम बात करेंगे तो जूनेट ट्रस्ट के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर लोग इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, लेकिन गए 20 साल में नए लोगों ने खड़ा करके किया हुआ एक जगह, मैं मानता हूँ कि महेश भाई, दिलीप भाई और उनके सभी साथियों ने जो बनाया है, इसमें हमारे नगर से पारा कावड़े कंदेश यादव, इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगेश साकर जी हमारे विधायक और सांसद के नाते हम तो दो मदद करना करते ही है, लेकिन ये दो लोग फील्ड पर उतर कर बहुत सभी प्रकार का इनको मदद करते हैं, और ये समाज भी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये हमारी उपलब्धि है, और राम राज्य की जो कल्पना है उसमें यही है कि राम राज्य के और सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, किसी प्रकार का अन्याय किसी के ऊपर ना हो, जुल्म ना हो। और मैं साथ साथ में एक बात और भी यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो पहले आज हम सबके लिए खुशी और गर्व की बात ये भी है कि जैन धर्म के गुरु जो है रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज, उन्होंने 22 तारीख को सभी जैन मंदिरों में राम कथा का पठन करने के लिए कहा है, यानी सभी मंदिरों में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। जैन धर्म के लोग तो वैसे बहुत चुस्त हैं धर्म के काम में, लेकिन राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा आह्वान किया है, ऐसे समय पर जैन मुनि ने इस बात को समाज के लिए आगे बढ़ाना, ये और उसमें दूध में शक्कर का काम हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं जन धर्म के सभी लोगों का हृदय से आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ, और उनको जय जिनेंद्र भी कहना चाहता हूँ, और जय श्री राम भी कहना चाहता हूँ।